हेलो गाइस, टॉकिंग दुकल में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरिजन करेंगे कोटकपुरा जंक्शन वर्सेस चरखी दादरी रेलवे स्टेशन का। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे सब्सक्राइबर जसविंदर सिंह जी ने की थी। चलो शुरू करते हैं। कोटकपुरा जंक्शन का निर्माण 1911 ब्रिटिश राज में हुआ। ये रेलवे स्टेशन नदन रेलवे में आता है और इस रेलवे स्टेशन का डिवीजन फिरोजपुर है और ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन रेलवे स्टेशन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका स्टेशन कोड KKP है। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन का निर्माण 1942 ब्रिटिश राज में हुआ। ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है और इसका डिवीजन बीकानेर है और ये डबल इलेक्ट्रिक लाइन रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड CKD है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। कोटकपुरा जंक्शन के पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म है, तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन के पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म है चरखी दादरी रेलवे स्टेशन के पास। तो ये पॉइंट जाता है कोटकपुरा जंक्शन के पास। नंबर 2, नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। कोटकपुरा जंक्शन पर 30 ट्रेनों का हाल्ट है, उनमें से पंजाब मेल, मुंबई सेंट्रल, जनता एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर 20 ट्रेनों का हाल्ट है, उनमें से जैसे अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस, रेवाड़ी एक्सप्रेस, श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं और कई ट्रेनें हैं जो चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं। तो इसके साथ ही ये पॉइंट भी जाता है कोटकपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। नंबर 3, नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोटकपुरा जंक्शन से 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। ये दोनों ट्रेनें पैसेंजर ट्रेन हैं जो कि कोटकपुरा फाजिलका DMU हैं। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, कोई भी ट्रेन बनकर नहीं चलती चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से। तो इसके साथ ही ये पॉइंट भी जाता है कोटकपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। नंबर 4, नंबर ऑफ रेलवे रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोटकपुरा जंक्शन से 3 रेलवे रूट्स निकलते हैं। पहला फरीदकोट फिरोजपुर कैंट जंक्शन के लिए, दूसरा गोनियाना बठिंडा जंक्शन के लिए, तीसरा मुक्सर और फाजिलका जंक्शन के लिए। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन से 2 रेलवे रूट्स निकलते हैं, उनमें से पहला भिवानी जंक्शन हिसार जंक्शन के लिए, दूसरा रेवाड़ी जंक्शन अलवर जंक्शन के लिए। तो इसके साथ ही ये पॉइंट भी जाता है कोटकपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। नंबर 5, फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कोटकपुरा जंक्शन पर फ्री वाईफाई नहीं है, अभी तक नहीं लगा इस रेलवे स्टेशन पर। तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर रेलटेल का रेल वायर वाईफाई अवेलेबल है। तो इसके साथ ही ये पॉइंट जाता है चरखी दादरी रेलवे स्टेशन के पास। नंबर 6, ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कोटकपुरा जंक्शन की आउट ऑफ 5 3.6 की ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग है, तो वहीं चरखी दादरी रेलवे स्टेशन की आउट ऑफ 5 3.8 की ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग है। तो ये पॉइंट भी सीधे सीधे जाता है चरखी दादरी रेलवे स्टेशन के पास। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। कोटकपुरा जंक्शन को 4 पॉइंट और चरखी दादरी रेलवे स्टेशन को 2 पॉइंट मिलते हैं इस कंपैरिजन में। तो इसके साथ ही कोटकपुरा जंक्शन विनर है इस कंपैरिजन में। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, आप लोग का फेवरेट चैनल टॉकिंग दुग्गल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।